वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग मजे में होंगे। काफी चल रही है दिवाली की सेल, उस दौरान मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले कुछ इस तरीके के बॉक्स में मेरे सारे प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं एंड चलो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। कुछ जितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो इस सारी चीजों को देखने के लिए, उससे ज्यादा मैं उत्सुक हूँ कि आप सबको एक एक चीज अच्छे से दिखाऊं। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीजें मंगाई है। पहले की मैंने यहाँ पे मंगाए हैं सिंदूर कलर बार के, इनकी पैकेजिंग चेंज हो गई है क्योंकि मैंने अपनी वेडिंग टाइम पे जो परचेज किया था तो ये राउंड बॉटल में आते थे और अभी ये स्क्वायर बॉटल में आते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर मंगाया है, एक मैरून कलर मंगाया है। इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, दोनों ही कलर बार के हैं एंड इसमें एक है माई मैरून शेड एंड एक है माई रेड शेड। दोनों ही शेड्स यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक मैंने यहाँ पे अप्लाई भी कर रखी है, लुक एट दैट, जो कि मुझे काफी पसंद आई। तो अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्ट करना है सिंदूर पे, गाइस इन पे जा सकते हो आप, सही है, मतलब काफी अच्छे हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पे के ब्यूटी का ये नेल पेंट लिया है एंड माई शेड इसमें गाइस मैं बता दू आपको। ओके गाइस, इसमें मेरा शेड दिवाली से ही मिलता जुलता है, फायर क्रैकर। तो ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा शेड है, मरून काइंड में है ये। और जब हाथों पे आप लगाते हो ना तो कुछ चीजें होती है ना जो हमारे हाथ पैरों को बिल्कुल ऐसे उभार के लेके आती है। जैसे कई बार हम लिपस्टिक के लिए बोलते हैं कि यार हमने ये लिपस्टिक का कलर लगाया या ये हमने सूट पहना तो इसमें हमारा कलर और ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का नेल पेंट है और आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो इस फेस्टिव सीजन, और इनफैक्ट आप इसे अपनी वेडिंग किट में भी डाल सकते हो क्योंकि शादियों का सीजन भी ऑलमोस्ट, शादियां स्टार्ट हो चुकी है। ओके गाइज, आफ्टर दैट यहाँ इनसाइड का लिया है बनाना पाउडर, बिकॉज शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, मुझे इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो गाइज यहाँ पे एज यू कैन सी मेरे पास है ये बनाना लूज पाउडर, इससे मेरा मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये मुझे काफी डिस्काउंट के साथ मिला है, वैसे ये 200 समथिंग का आता है लेकिन ये मुझे 180 समथिंग का मिला है और कुछ इस तरीके से है। इनफैक्ट मैंने इसको यूज भी करना आज के मेकअप में शुरू भी कर दिया। ओके गाइज, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का कंसीलर लिया है। तो ये है प्राइमर प्लस मैट लिक्विड कंसीलर, तो मैंने सोचा यार इसको मैंने ट्राई नहीं किया, इसको मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, तो चलो यहाँ से अनबॉक्स करते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके का यहाँ पे जैसे लिपस्टिक आती है ना लैक्मे की, उसी काइंड में इसकी पैकेजिंग है एंड द शेड इसमें मेरा 20 न्यूड, डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो ये भी मुझे काफी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैंने लिया है लैक्मे 9 to 5 की रेंज ली है प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन। लाइक इसको यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी तक मैंने यूज नहीं किया लेकिन जैसे इसका नाम है ना उसके दौरान मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मुझे फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्या क्या चक्कर है। तो मैं वेरी सून इसका ना रिव्यू लेके आऊंगी तो वो जरूर देखना। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से है लैक्मे 9 to 5 मैट प्लस फोर फाउंडेशन पाउडर फाउंडेशन इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से ओपन करते हैं, सबसे पहले नीचे की साइड एक स्पॉन्ज आ रहा है इसमें, आफ्टर दैट इसको इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये फाउंडेशन गिर गया, फाउंडेशन प्लस पाउडर फाउंडेशन है। आई डोंट नो, मुझे लग तो ये पाउडर ही रहे। तो मैं रिव्यू लेके आऊंगी, अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके गाइज, आफ्टर दैट मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हुडा ब्यूटी का ये लिपस्टिक। तो मैं कुछ टाइम पहले एक्चुअली मंगाया था, इसमें मेरा शेड है हनीमून जो कि यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड लुक एट दैट, मैंने इसको भी अप्लाई कर रखा है जस्ट लिप बाम लगा के। तो गाइस कुछ इस तरीके से है ये, और ये बुलेट आपको मैं बताऊं 2200 समथिंग है बट आई थिंक मैंने इसको 1800 समथिंग का लिया है। यहाँ से ओपन करने के बाद ये मैग्नेट में आता है अगेन, तो सेफ हो जाता है और यहाँ से इसका शेड देखो परफेक्ट है, तो सीरियसली बहुत ज्यादा सुंदर कलर है। तो अगर आप वेडिंग सीजन में ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट मुझे न्यू शेड्स कितनी ज्यादा पसंद है ये तो आप लोगों को पता ही, और मुझे पर्सनली ना या डेली बेसिस पे लाइक मैं बिल्कुल जब सिंपल रहती हूँ ना लाइक ये मैं अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो मेरी नजर ना इस न्यू इस वाली ये जो लिपस्टिक है ना इसकी मेरे पास पूरी रेंज पड़ी है गाइस, ये बहुत ज्यादा सही है। लाइक मैं आपको बोल रही हूँ ये कम प्राइस में और बहुत सुंदर वाली चीज आपको मिल रही है। लाइक इतना आपको 2200-2300 वाली लिपस्टिक भी नहीं देगी जितना ये अच्छे से आपके लिप्स पे सेट होती है। इनफैक्ट जैसे कि विंटर सीजन आने वाला है उसमें भी ये बहुत कंफर्टेबल रहेगी आपके लिप्स पे, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास लैक्मे की है ये फोर एवर मैट लिक्विड लिप
कलर एंड इसमें मैंने अपने पास न्यूड लाटे शेड मंगाया जो कि बहुत ज्यादा सुंदर शेड है, परफेक्टली न्यूड कॉफी जैसा कलर आ जाता है। इसको तो ट्राई करके दिखाना बनता ही है। तो गाइस लुक एट दैट, कुछ इस तरीके का ब्राउन शेड है ये और ये बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो कि मैं रीपर्चेज बार बार करती रहती हूँ, तो ये है द कॉलोसल बोल्ट लाइनर, मेबलिन का है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगेन ये मुझे 200 समथिंग का मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले लूँ। ओके गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मैंने इतना कुछ अपनी दिवाली शॉपिंग में खरीदा है और अभी थोड़ा बहुत मैं और परचेज कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर जाना। लव यू ऑल।